Oh my gosh. I really don't know that what is happening to my life. Seriously? I mean, twice it happened that my life is just escaping. Oh my gosh. Why so? It's disgusting. Her tongue? और भाई और कहां से हो? लखनऊ अच्छा, यार अभी सब फॉरेन के लोग आ रहे थे, तू बीच में कहां से टपक पड़ा यार लखनऊ का? बैड़ त्रिमा चौथा हूँ लखनऊ में आजा अच्छा, क्या करता है भाई लखनऊ में? मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेडिकल का स्टूडेंट है। तो मेडिकल स्टूडेंट में क्या कर रहा है तू? मतलब ये कार्डियोलॉजी क्या, कौन से डिपार्टमेंट क्या है तेरा? अच्छा, तेरी गांड मार देता है भाई मेडिकल का स्टूडेंट है, इज्जत से बात करना, ऐसे क्यों कर रहा है यार? तो स्टार्टिंग में इज्जत मेरे से बात करना सीख ले। लगा तू दिहाड़ी लगाता है तेरी शक्ल से, लेकिन अभी पता चला कि भाई तू अच्छा, तू मेडिकल स्टूडेंट है तो मैं इज्जत दे रहा हूं तुझे। भाई तो इज्जत देना तू भी तो सीख ले। हाँ तो मैं दे रहा हूं ना तुझे, तो इज्जत से बात करना कि भाई लखनऊ में कहाँ पे रहता है, तेरी उम्र क्या है? अच्छा, 19 साल। तू 19 साल का है। और अब तुम, आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेस अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं बेटा? अच्छा, गवर्नमेंट टेंडर्स। टेंडर्स। अच्छा, टेंडर्स मतलब तुम्हारे पापा ठेके लेते हैं, राइट? ही इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। हाँ ही इज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको समझ में आ रही है आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट टेंडर्स। यू नो व्हाट इज टेंडर? आई नो व्हाट्स टेंडर मैन। अरे तो टेंडर जो होता है, कोई अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वो टेंडर भरता है, और वो टेंडर ही भरने के अप्लाइज बाद जब टेंडर टेंडर एंड ही खुलता है गेट्स द तब कॉन्ट्रैक्ट उसको काम यस। मिलता है, तब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो चूतिए, तुझे ऐसे कहना है कि तेरे जो पापा है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो तू क्या कह रहे हैं कि हाँ तेरे पापा गवर्नमेंट टेंडर है? बैंचोद मैंने बोला गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं वो। बहुत सड़ी के पहले अपना सुन ले माँ के लौड़े। तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं सभी लोगों को बता दूं ये टेंडर क्या होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर काम होता है, जैसे कि रास्ता बांधने का, उसको कहते हैं रास्ता मकाडमाइज करने का। जब भी रास्ते के ऊपर डामर डालते हैं तो उसको कहते हैं टू एस्फाल्ट द रोड, अदरवाइज टू मकाडमाइज द रोड। तो सब लोग क्या करते हैं, वो फॉर्म पे वो लोग अपने अपने रेट्स डालते हैं कि ये रास्ता जो है मैं 10 लाख में बांधूंगा, कोई कहता है मैं 8 लाख में बांधूंगा। तो वो जो 8 लाख वाला बंदा है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये सब सील पैक लोग ये एक डिब्बे में डालते हैं, तो ये सब टेंडर खोले जाते हैं, और जो 8 लाख में वो जो रास्ता बनाने वाला है वो बंदे को वो टेंडर अलॉट होता है। तो इस तरह से उसे टेंडर कहते हैं। एम आई राइट? यस हाँ। तो जब दीपक भी भाई आपको तेरी कोई, तबीयत कैसी है। हाँ तो जब भी आपको कोई पूछता है ना कि आपके पापा जी क्या करते हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि वो टेंडर भरते हैं, आपको ऐसे कहना है कि मेरे पापा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। आपको ऐसे कोई कहेगा कि आपके पापा क्या करते हैं, मेरे पापा इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे नहीं है वो, मेरे पापा डॉक्टर है, समझे आप? अगर आपको कोई पूछता है कि आपकी मम्मी क्या करती है, तो आप ऐसे कहोगे कि मेरी मम्मी जो है वो मेरे पापा से ठुकवाती है? आप क्या कहोगे कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ मेरी है? मम्मी पूरे मोहल्ले से ठुकवाती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है, ऐसे तुझे कहना है। तुझे ये नहीं कहना है खाना बनाती है रात को कोड़ी होती है, ऐसे बताएगा तू? दिन में खाना बनाती है रात को कोड़ी, ये ऐसे बताएगा तू? बता मुझे। ओए मैं तुझे पूछ रहा हूं, बताइए तुझे तेरी तबियत क्या यार, 4 दिन का मेहमान हूं बस।
मुझे तो पता ही है और यार, कुछ? हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ यार। तो तू तो कोई मेडिक चांस नहीं है अब एकदम? नहीं, नहीं यार, बचने के कोई चांसेस नहीं है। तू तो यार मेडिकल स्टूडेंट है, तुझे तो पता ही होगा कैसी बीमारी। रो मत यार, ठीक हो जाएगा, हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं। रोज लाइफ पे दुनिया की गांड मारता हूँ, सबको कॉल पे लेता हूँ, सबकी गांड मारता हूँ, लेकिन किस्मत में मेरी मार दी यार। बीमारी रो का मत कोई यार, भाई हो इलाज जाएगा, हो जाएगा। दीपक भाई सही हो जाएगा, चिंता ना कर। तो बस आशा करता हूं कि कोई दवाई जल्दी से निकल जाए इस बीमारी पे यार। हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, बच जाएगा भाई, टेंशन ना ले। यार मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं, इसीलिए सबको गाली देता हूं। दीपक भाई तू बंदा बहुत अच्छा है। यार मैंने सोचा 4 दिन की जिंदगी है, तो क्यों सबकी गांड मार मार के ना मरूं, इसीलिए सबको कॉल पे बुलाता हूं और सबकी गांड मारता हूं यार। बाद में सब तेरी मारते हैं। भाई मैं तेरी वीडियो बहुत देखता हूँ, बकचोदी के साथ साथ तू बंदा बहुत अच्छा है भाई। हाँ यार बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत धुला हुआ हूँ दूध का, सबको मदद करता हूँ, गरीबों को दान धर्म करता हूँ, बहुत अच्छा। निकल मार दर छो तुम माँ चुट बहन के लवड़े, तू बड़ा बने डॉक्टर साले, दिहाड़ी के मरीज मार दर छो साले, को ये पता नहीं है बहन के लवड़े को टेंडर भरता है मेरा बाप, उसको कहना है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, आया बड़ा यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए माँ के लौड़े, तू लगे दिहाड़ी बहन दे दीने, बहन दा टका साड़िया खोती दा पुत्रा, तू बड़ा बने साड़िया, ये कौन है बाजवा? हाँ भाई बाजवा कॉलते आ। हाँ बहन के लोड़े, कैसा है भी? बस ठीक हूँ भाई, और तू बता कैसा है? बस बढ़िया, ठीक ठाक। और कितने लोड़े खाए फिर नए साल पे? हाँ अच्छा मेरे बीमारी के लिए तू दवा कर, ये दुआ करने वाला था? मैंने एक बोतल में माल भर के रख लिया है तेरे लिए, उसको रोज सुबह शाम ना दो दो चम्मच उसको ऐसे मतलब खाना, उसके बाद खाना खाना, टट्टी नहीं खाना, खाना खाने का उसके बाद, ठीक है? और उसको हमेशा ठंडे पानी से लेना, अच्छा देख माल तू ठीक मतलब हो क्या है जाएगा उससे। वो? हैं? अरे माल मतलब क्या है? माल मेरा, माल बोल ठीक है, स्पर्म है मेरा एक नंबर बहन, जो नेचुरल पंजाबी जट वाला। अच्छा। देख तू ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और जो फिल्टर वुल्टर लगाता है फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सुंदर हो जाएगा उससे भी। चेहरे पे थोड़ा लगाना, ऐसे ऐसे मसाज करना, फिर देख तू बहन कैसे चमकेगा, एक नंबर हो जाएगा। जसलीम ठारू के उससे भी अच्छी अच्छी लड़की आएगी तेरे पास। नए साल में कितने खाए फिर? मैं दुआ करता यार हूँ मैं तो भगवान एक से पेशेंट हूँ यार, तेरा, मैं दुआ करता हूँ भगवान से नया साल में ना, ये पूरा साल तेरा मुंह तेरी गांड कभी भी खाली ना रहे, कुछ ना कुछ इसमें डलता ही रहे, सख्त वाला मोटा मोटा अच्छा सा दरख्त होता है, दरख्त है पेड़, पेड़ का बड़ा वाला मोशा तेरी पीछे तक जाए, पूरा मुंह से बाहर आए, ऐसे ऐसे करते रहे। ऐसे मत बोस ठीक है, बोल फिल्टर लगा रहता है ये गंदा वाला बैच, कितनी गंदी शक्ल लगती तेरी।
वैसे तो हिजड़ा ये फिल्टर लगाने से ऊपर ऊपर और ज्यादा ना हिजड़ा लगता था, पूरा प्योर वाला अच्छा गंदी शक्ल लेके सही, आया था अच्छा वो नहीं सड़ी। लगता है आज के दिन तो कपड़े पहन ले, नए साल में पहनना था भी, कुछ, यहाँ उस दिन भी ऐसा ही था, नंगा नंगा निकला बाहर, बहन जो नंगा ही रहा सारी उम्र। देख छुपा ले चूचू, देख लिया अब तो सबने, अब क्या छुपा रहा है। फिर चुपर से ये गंदी सी चश्मा लगा लेता है हमारा, जो घोड़े के यार ऐसे टट्टे मत जैसा बोल यार, सफेद मैं रंग 4 दिन बाद जीने में वाला हूँ छोड़ने यार, लग उसके दिन गया, उसके बाद मैं तो मरने ही वाला हूँ यार, ऐसे क्यों बोल रहा है। मर ही जाएगा तू वो सटी है। ये 2021 तेरे लिए लास्ट है, और कई दीपक पैदा कर दिए तूने तो। भैंस एक वो आता है साला मन्नू, कौन सा मन्नू भाई, भैंस ही भैंस, वो भी तेरे जैसा भोसड़ी, तेरा ही बच्चा वो। जिस दिन तू मरेगा ना, मैं जरूर आऊंगा, कोई आए या ना आए मैं जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा। वही अंकल भैन जो तू गांड में लेता है, वही आंख में लेता है, मार जो शर्म कर भोसड़ी, कितना गंदा आदमी, वही नाक में डालता, वही मुंह में डालता है भैन, यही पिछवाड़े में लेता है। हाँ भोसड़ी का देख मार जो, ऐसे लग रहा है जैसे भैन गांड में से पाद निकल रहा है, ऐसी शक्ल हो रही है देख। आए थू भोसड़ी का तेरे, चाट ले इसको, चाट चाटियो जरा, चाट ले। ऐसे मत बोल यार प्लीज। मर जाएगा वो सही, जल्दी मरेगा तू, सच्ची मर जाएगा। ऐसे मत बोल यार, मेरे मौत के बारे में मुझे बहुत डर लगता है। कभी तो सैड हुआ कर, ये नौटंकी वाला सैड मत हुआ कर, सीरियसली कभी तो सैड हो जा, आज सच्ची में रो के दिखा सबको, पता चले कितना रोता है तू, कितना तेरी आंखों में पानी है, ऐसे मत बोल इतना यार गांड में प्लीज, पानी लेके घूमता है तो बहन जो आंखों में पानी निकाल ले थोड़ा सा। ऐसे मत बोल यार प्लीज, किसी पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते हैं यार। बड़ा वेंचर है, बहुत बड़ा वेंचर है, तू नहीं सुधरेगा तुझे रानी। कहना चाहिए कि दीपक तू मरने वाला है, चल मैं तेरे आंट चूस लूंगा, तेरा चुप्पा लगा लूंगा, तेरा माल पी जाऊंगा, उल्टा तुझे यार जिंदगी के मेरे 4 दिन बचे हैं यार, उल्टा तुझे मुझे सर्विस देनी चाहिए यार, मेरे आंट चूसने चाहिए, मेरे चुप्पे लगाने चाहिए, तो तू मुझे गाली दे रहा है यार। साले न्यू ईयर पे तू खुद गया था भैंच, उधर दिल्ली के जीबी रोड में, उधर भैंच कोंडम उठा रहा था, तू कहते जूस की हुए उनमें से माल पी रहा था भैंच, इकट्ठा करके रखा था तूने, एक डब्बे में डाल के रखा हुआ घर पे कि मेरा 2021 अच्छा जाएगा, बढ़िया से खाऊंगा, दाल में मिक्स कर करके खाऊंगा, मुंह पे लगाऊंगा, चाटूंगा, ब्रेड पे लगा के उसका ब्रेकफास्ट करूंगा। शर्म कर मारो जो थोड़ी सी, वो सिर्फ न्यूज में भी आ गया तेरा तो, फोटो बन गई बहन जो उसकी वीडियो बन गई कि दीपक लार कोंडम उठाता हुआ पकड़ा गया, और रेडी वालों ने बहन जो इसकी गांड पे चांटे मारे, एक केले वाले ने बहन जो तेरी गांड में दर्जन केले डाल दिया ऐसे मत बोल है, यार, ठीक है, चप 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 हो रही थी उस टाइम तेरी गांड, वो भी वीडियो बन गई बहन जो, देखो दिखाऊंगा मैं, कुछ तो शर्म कर ले साले, नया साल तो अच्छा मना लेता, नए साल में क्या काम करने जा रहा है। बस ये साल में जीना चाहिए यार, ये साल में मरना नहीं चाहिए बस। मर जाएगा तू, ज्यादा दिन नहीं है तेरे पास भोसड़ी, इसी साल में मरेगा तू, और 1-2 महीने में मर जाएगा, ऐसे मत बोल सच्ची यार, मर जाएगा। ये सर्दियां तेरे लिए लास्ट है, तू गर्मी का मरीज नहीं है, ये सर्दियां खत्म होते तू गया फुट के जाएगा बेंच। क्यों ऐसे बोल रहा है। अब तेरी शक्ल मालूम कैसे लग रही है, लोड़े को मुठ मार के छोड़ दो ना तुम, ऐसे हो जाता है वैसे तेरा शक्ल लग रही बेंच, पूरी सेम टू सेम। यार तो देख मेरी ये जो प्रॉपर्टी है, 10-10 12-12 फ्लैट है, वो कौन लेगा यार। मेरा लोड़ है मेरे पास बहुत के 10 करोड़ में कितना जीरो लगता है ये बता दे, बता इतनी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा यार। तेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है, तेरी काली गंदी गंदी सी बड़ी वाली गांड,
वो भी भैंच, वो भी नहीं कोई ले लेगा भैंच, अगर तो उसको नीलाम करेगा ना, वो भी नहीं कोई लेगा, वो भी थूकेंगे भैंच, थू भैंच, ये गांड गंदी वाली काली गुफा जिसमें भैंच, जो सांप भी ना, चूहा भी नहीं जाए, वो कहेगा भैंच इससे अच्छा तो मेरी मिट्टी की बनी हुई गुफा अच्छी है, ये गंदी सी गांड किसकी ले आए, शर्म कर ले महाराज जो थोड़ी सी तो है, लोड़े मेरा मन करता ना तेरे ऊपर ना मैं मुंह के ऊपर टट्टी करके जाऊं, सच अच्छे से बात लेप के ऊपर से पूरा है बहन जो बहन के लोड़े, एक टी शर्ट ही पहन लेता आज के दिन तो, कल पहनी थी या कल भी ऐसे ही था नंगा ही, नहीं, नंगा निकला इनफैक्ट हूं आज आज मैं नंगा ही अच्छे घर से कपड़े पहन निकला। के मैंने डांस भी किया आज, तूने देखा नहीं क्या मेरा हाँ अच्छे डांस देखा चेक्स था वाला बहन जो, आज शर्ट मैंने पहन के गाना मैंने मंगवाया डांस जो भी मेरे किया? गाने मारो, वो गाना ना कौन सा? कहते पच्चियां पिंडा ने तेरी मारी, साढ़े लाना ने भी खिंची है तैयारी, हनी सिंह का जो गाना था उस पे डांस किया ना तुमने, साडी कुटिया पिंजा ने तेरी मारी, साडे लंच ने भी खिंची तैयारी, खुद आके तेरे लिए के जावा, ना मिली तो जट ना कहावा, चूत मारू 14 के बाद तुझे, जूते मारू तेरे मुंह में अपना बुद्धि लौड़ा देके, मूठ मारू बुद्धि खराब मेरी, बुद्धि खराब मेरे जैसा कहाँ नहीं कोई खराब, दूजा होगा, यो हनी बुद्धि नहीं है तेरे सिंह। पास, गांड बोल, गांड बुद्धि नहीं है तेरे पास, गांड बोल कि गांड खराब मेरी, गांड खराब बहन चो गंदी काली वाली मोटी जिसमें टट्टी भी रोती है भैंस में किसकी गांड में पैदा होती है, वो भी कहती है मैं भैंस की अच्छी गांड में जाती, तो सड़ीके ऐसे फोन बोल यार, तू सच्ची में तो बहन चो, तू ना नल्ला ये बहन के लोड़े, ऐसे ही मरेगा तू, जैसे लोड़ा तरसता ना चूत के लिए वैसे तू बहन चो मरेगा मौत के लिए, मतलब मेरी सच मौत में आसान नहीं होगी। नहीं होगी, ऐसे ही मरेगा बहन चो, लाइव मर जाएगा तू तो लाइव मरेगा, मऊ 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 करता, सोचा कर तेरे को अभी मौत आ जाए, कैसे मौत जाता है तू, कैसे मरेगा, मऊ तेरे मुंह में मऊ ऐसे डाल मऊ के मस्त, ऐसे ठंडक लेके तेरे मुंह में डाल के ऐसे मस्त, इधर तक हलक तक तेरे डाल के ऐसे पानी छोड़ के ऐसे मौत चाहिए मुझे। लेगा अंदर तक हलक तक लेगा, ऐसे ठंडक ठंडी मौत दे मुझे, ठंडी मौत। बड़ा माधव चोर है बहुत ज्यादा सारे सच और जब तू हलक तक लेगा ना, तेरी मूछें मेरे आंड को गुदगुदी करेगी, मेरे जो आंड है ना उसको तेरी मूछें ऐसे गुदगुदी करेगी, मजा आएगा मुझे। लेगा ना तेरे पास आंड है हलक तक बहन, ना कट्टी वो अपना, ना लंड है ना आंड है, वहां पे प्लेन ये बहन जो टट्टी जो है तेरी बहन जो गांड से निकलती है, मुंह तू बहन जो मुंह से करता है, गंदे आदमी करता है ना, बता दे सबको कि हाँ मैं मूत करता हूँ, मुंह से करता हूँ, है सुसु करने जा रहा हूँ भैंचो, जब मन किया उसको भी भैंचो पी लिया, ठीक प्यास है। तो लगती है तो उसको पी लेता हूँ, ठंडा पीने को मन वो करता थूकता है है, वो उसको थूक पी के लेता बताना, हूँ, वो थूकता है, वो थूक के बताना, मस्त अच्छा लगता है वो, तेरी बताना बात ही बड़ा वाला चौथी है थूकना, देखो थूकना बड़ा वाला थूकना, वो वो जो थूकने का चुपता वो चाट वो करे तो एक बार करके दिखा, वो मजा आता है करके दिखा, कैमरा तेरे, एक ऐसे नई डिश थूक के देता हूँ कैमरा फ्लिप आज कर। देख, नहीं आज देख एक नई डिश देता हूँ, जे 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 का जो 2 दिन से पहनी हुई मैंने, इसको चूस चाट, इसको अच्छे से अंदर डाल ले मुंह, डाल डाल चाट, इसको चाट आज, ये तो जीभ लगाएगा मेरे पैर पे, ये इसको चाट अच्छे से साफ कर दे, है अच्छा ये तो सारे गिफ्ट है तेरे लिए नए साल का, कोई बहन जो तुझे देगा ये, अपना इंटरव्यू दूं तुझे, उसको चाटना अच्छे से जीभ लगा के, है खाएगा मेरे को पता है बहन, तो खा ही जाएगा उसको,
ऐसा भूखा आदमी बहन चुटो, ठीक है, चल गंदा बाय। आदमी बहन चुटो, बहुत गंदा आदमी बहन के लोड़े तो। कुछ भी पक रहा है, पागल कहीं का। और कौन है ये? कौन है? तनवेज खान पठान। तनवेज खान पठान कॉल तया। तनवेज खान पठान तनवेज खान पठान हेलो। तनवेज खान पठान फ्रॉम अफगानिस्तान। ये कौन है? हर्ष नांद्रे। हर्ष नांद्रे, ओके। हर्ष नांद्रे कॉलते आप। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो भाई, बोलिए। कहाँ से पुणे हो? से हूँ भाई। अच्छा, आपका चेहरा दिखाओ। हाँ 2 मिनट रुक जा, आता हूँ 2 मिनट। चालू रख, दिखाता हूँ। अच्छा, पुणे में कहाँ पे रहते हो? अच्छा पुणे में भोसरी। अच्छा और क्या काम करते हो? चेहरा दिखाओ। हाँ 2 मिनट, शर्ट पहन रहा हूँ। हाँ बोल। अभी हाँ, और क्या काम करते हो तुम? अच्छा स्टूडेंट हूँ भाई, पुणे अच्छा और मम्मी पापा कहाँ पे रहते हैं? में ही रहते हैं भाई। अच्छा, भाई जरा फिल्टर लगा लेगा, मुझे उल्टी हो रही है। हाँ भाई, तेरे से ही सीखा हूँ, बता तेरा फिल्टर। हाँ, कैसा है ना, थोड़ा मुझे ऐसे उल्टी जैसे होता है, थोड़ा फिल्टर लगा ले। हाँ अरे तू भी यहाँ रहता है ना पुणे में, बता ना जरा यार, मैं आता हूँ मिलने। हाँ भाई, तू मुझे कैमरा में नहीं बेंचो तो उल्टी हो रही है, तुझे पर्सनली मिलूंगा तो बेंचो टट्टी भी नहीं होगी। अरे तेरी माँ की चूत भोसड़ी के रंडी के औलाद साले, तेरे मुंह पे उल्टी करके जाते उधर जाट लोग। भोसड़ी के अभी पुणे के लोगों से भी उल्टी लगे मादर चोत। अरे वो नहीं है रे, मतलब तू दिखने में टट्टी है ना, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। तेरी तेरा मुंह देख, तेरे मुंह पे लड़की पिटाई हो रखी है भोसड़ी के। वैसे छुपा ना तेरा बदन, छुपा ना, वैसे छुपा रहता देख मो, वैसे बदन छुपा ना तेरा एक बार। भाई तू, तेरे को सच्चाई मैंने आईना दिखाई तो बेंचो तू फील कर गया, तेरे को मैंने सच्चाई बताई तेरी शक्ल के बारे में, तू फील कर गया भाई। अरे नहीं रे, लेकिन भाई मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ। तू यार मतलब बहुत सही बंदा है रे। तू मतलब घर पे बैठे बैठे तेरे को इतनी सारी जगहों का नाम पता है, और जो लोग तेरी गांड मारते उनको बताना चाहूंगा कि भाई यार हिम्मत मारा, ये बहुत अच्छा बंदा है। ये खाली गाली देता है लेकिन इसको नॉलेज बहुत है, बहुत मतलब बहुत और क्या बहुत पढ़ाई भाई। करता है भाई की? और भाई मैं बोल रहा हूँ, तो हेपेटाइटिस से बहुत जल्दी तू ठीक होने वाला है। और रोज लाइव आते जा भाई, हमारी एंटरटेनमेंट करने, दिल से फैन है तेरे भाई, दिल से भाई। मैं नहीं, मैं बहुत लोग देखते हैं आपकी लाइव, बहुत लोग। मैं तेरे को कहना चाहता हूँ तू नहीं मरे। तू भाई मैं दिल से दुआ करता हूँ तेरे लिए, रोज मंदिर जाता हूँ ना तो सोचता हूँ यार ये दीपक नहीं मरना चाहिए भाई। रो मत यार, रो मत यार, मैं तेरा फैन हूँ यार। रोज रोज लाइव आएगा कि नहीं, वादा कर मेरे से। एक पुणे कर रे के, पुणे कर से वादा कर। हाँ मैं आऊंगा, लेकिन तुम भी मुझे वादा करो कि नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो तुम कैमरा पे नहीं आओगे और नहीं कैमरा बंद आऊंगा, कर। नहीं आऊंगा भाई, कैमरा बंद करके आऊंगा पक्का। लेकिन तू रोज आएगा ना लाइव। हाँ, यस बुरा मत भाई, यस। मानना, लेकिन तुम मेरी लाइव देखना, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम बताना, क्योंकि तुम बहुत ही बदसूरत हो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। वाह कसम भाई, बोल ना पुणे में कहाँ से रहता है तो बोल। मैं कोरेगांव पार्क में रहता हूँ। अरे कोरेगा पार्क में, बता कहाँ पे यार भाई। मिलना है तेरे से एक बार प्लीज यार। नहीं, प्लीज मत मिलना, क्योंकि तुम बदसूरत हो। यार मैं मेरे मुंह पे पट्टी बांध के आऊंगा।
और तुम क्या पढ़ाई करते हो? हम यहाँ पर इधर डीवाई पाटिल में पढ़ाई करते हैं भाई। यहाँ पर बहुत लोग अच्छा, यहाँ वो पर। डीवाई पाटिल तो आकुर्डी में है ना? हाँ आकुर्डी में भी है, पिंपरी में भी है। आकुर्डी पता है तुमको? हाँ, मुझे नागरी आकुर्डी निगड़ी प्राधिकरण पता है, मुझे वो निगड़ी प्राधिकरण में। हाँ भाई निगड़ी प्राधिकरण, वही वही पास में ही है वो सब। आप आए हो कभी? हाँ, मैं आया हूँ वहां पे आकुर्डी में, वहां पे रेलवे स्टेशन भी है, हाँ, रेलवे स्टेशन भी है भाई। यार और आपका आकुर्डी में एक भगवान का मंदिर भी है रेलवे स्टेशन के पास। पता है, पता है, पता है यार, तुमको इतना सब कैसे पता है? कब आए हो आप? मुझे सब पता है, वो आकुर्डी के पास कामशेद भी है, लेकिन हाँ, सही सही सही, वही वही। वहां पे तो सब भिखारी टाइप लोग रहते हैं आकुर्डी में। नहीं, हम पिंपरी साइड में रहते हैं रे, वो आकुर्डी साइड हमारी पिंपरी में बहुत। तो सब चीप लोग रहते हैं, वहां पिंपरी चिंचवड़ वो तो एकदम गंदा इलाका है। मैं कोरेगांव पार्क में रहता हूँ, हाँ वो तो है हमारे यार। यहाँ पे सब सेलिब्रिटीज रहते हैं, शाहरुख खान का घर है, शोभा ने रहती है, अमिताभ बच्चन वगैरह सब हमारे यहाँ पे रहते हैं, और तुम्हारे यहाँ पे वही भिखारी झोपड़पट्टी के दो कौड़ी के नल्ले वहां पे भिखारी लोग रहते हैं। अरे नहीं रे भाई यार, हम तो यहाँ पर ही देते, हम ही यहाँ के, हम कोई सेलिब्रिटी मानते हैं यहाँ के। आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा इंजीनियरिंग है भाई, इंजीनियर है मेरे पापा। अच्छा, इंजीनियरिंग का, इंजीनियर का स्पेलिंग क्या है, आता है? तू तू बता पहले वो सड़ी के बता इंजीनियर देखना। का स्पेलिंग। अरे मैं तेरी लाइफ पे मारने नहीं आऊ भाई, देख ले यार, मैं तेरा दिल से पहनू। मैं तेरे बोलना चाहता हूँ कि ये जो तेरी मारते ना, उनसे तू डिमोटिवेट मत होते जा, कभी भी रोज लाइव आते जा, रोज हमारा एंटरटेनमेंट करते जा भाई। मैं कहता हूँ कपिल झूठ क्यों शर्मा बोला को। तेरे पापा इंजीनियर है करके? सच बता, तेरे पापा रिक्शा चलाते हैं ना? नहीं रे, तेरी गांड मारते, तेरी गांड रिक्शा मारते चलाते हैं ना? सच बता, झूठ क्यों बोला? रिक्शा चलाते हैं ना? सच बता। नहीं, तेरी गांड मारते, हाँ, रिक्शा रिक्शा चलाते चलाते। हैं ना? सच बता, झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ यार रिक्शा चलाते, वो रिक्शा नहीं बस चलाते, सॉरी। तेरा पूरा नाम, तू प्रॉपर पुणे का है क्या? हाँ मतलब 8 साल से तो पुणे में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे तुम्हारा पुणे में? प्रॉपर गांव कौन सा है? पुणे ही है हमारा तो। तुम बताओ अरे तो तुम्हारा पुणे कहाँ? में इंदापुर है, चाकण है। अच्छा पिंपरी, पिंपरी अच्छा पिंपरी प्रॉपर है। प्रॉपर। तुम बताओ तुम्हारा तो बताओ कुछ। मेरा भाई जन्म वहां एले में हुआ, लॉस एंजलिस में, वहां पे मेरा अच्छा जन्म हुआ, अमेरिका में। हम लोग ऐसे थोड़े हाई क्वालिटी के लोग हैं। अच्छा और फिर तुम्हारी माँ कहाँ चुदवाई? पीएमई में? अच्छा तो ठीक है भाई, ओके, चल निकल अभी। हाँ चल, तेरी माँ की चुद, ठीक है, लौड़े के बाद। चलो भाई, और कौन आ रहा है कॉल पे? ये कौन है? चलो भाई, नीचे मैसेज करो, जिसको भी कॉल पे आना है नीचे मैसेज करो। वाणी चौधरी, वाणी चौधरी कॉल पे आओ। वाणी, हेलो, हेलो भाई, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, चार आप क्या करती हो? मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम वाणी है, आपको पता है वाणी का मतलब क्या होता है? हेलो, वाणी का मतलब होता है आवाज, भाषा, आवाज, ये वाणी का मतलब होता है। ध्रुमी, इट्स फरेज। अच्छा फरेज भाई, कॉल पे आओ। फरेज फ्रॉम अफगानिस्तान, कॉल पे आओ। फरेज फ्रॉम अफगानिस्तान। हेलो, हेलो फरेज, कैसे हो? बढ़िया है बढ़िया है, तुम सुनाओ। बस ठीक। आप कहां से हो? मैं देहरादून उत्तराखंड। अच्छा, तो आपने झूठ क्यों लिखा कि आप अफगानिस्तान से हो? अगर आप इंडियन हैं तो आपने झूठ क्यों लिखा, ताकि मैं आपकी इज्जत दूं? मैंने कब लिखा यार? मैंने तो ऐसा नहीं लिखा, मैं तो लिखा कॉल विच हुंजड़ी। अच्छा, और क्या करते हो आप देहरादून में? मैं इंजीनियर हूँ।
अच्छा, क्या कौन से फैकल्टी में हो इंजीनियर आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो मैं आपको सिविल इंजीनियर के 5 सवाल पूछूं, आप जवाब दोगे उसके? अच्छा, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, तेरे तो सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मुझे बताओ 4/3 πr³ किसका फॉर्मूला है? तुम्हारी गांड का है भोसड़ी के, तुम अपनी तरफ से कहीं कहीं से क्या बोला तूने अभी? 4/3 πr³, ये क्या किसका फॉर्मूला है? 4/3 πr³ किसका फॉर्मूला है? ये तुम्हारी गांड का ही फॉर्मूला है भोसड़ी के, तुम अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हो, ये कहां से तुमने निकाला? अरे 4/3 πr³ ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम होता है ना स्पीयर, स्पीयर का ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो मैंने कोई इलेक्ट्रिक से थोड़ी ना करी है, मैं सिविल हूं, तुझे बताया ना। अरे तो ये सिविल का ही क्वेश्चन है। अबे तू इलेक्ट्रिकल में पूछ रहा है, ये नहीं, सिविल में साउंड में मेंसुर, पूछ रहा है। सुनो, सिविल में मेंसुरेशन करके एक टॉपिक है, उसका ये फॉर्मूला है, मेंसुरेशन में ये आता है, उसको स्पीयर कहते हैं। स्पीयर जो है ना, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये 4/3 πr³। ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। वो तेरा होगा। अच्छा मुझे, चल मैं सिविल का तुझे और एक पूछता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरिंग? क्यूरिंग का मतलब क्या होता है? क्यूरिंग, क्यूरिंग हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरिंग? अरे क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो 5-6 दिन आप उसके ऊपर पानी डालते हो ताकि वो मजबूत सीमेंट बने को, सीमेंट। हाँ, तो उस प्रोसेस प्रोसीजर को कहते हैं तो क्यूरिंग तू करना। वो ये तुम्हारे फार्मूले हैं ना सारे, तो तुम अपने फार्मूले हमें ना बताओ ना। तुम मास्टरबेशन, ये देखो अभी किसी ने लिखा मास्टरबेशन के ही तुम फार्मूले बताओ सिर्फ। चलो मैं तुम्हें सिविल का और एक पूछता हूँ। व्हाट इज द तुम मीनिंग ऑफ मास्टरबेशन के तो मकाडमाइट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मकाडोमाइज? मकाडोमाइज क्या होता है? मास्टरबेशन के फार्मूले बता। मैं यहाँ कोई तेरी वो नहीं सुनने आया हूँ, भाई ये मकाडोमाइज का मतलब जब आप किसी रास्ते का डामरीकरण करते हो, जब आप उस पर एस्फाल्ट डालते हो, उसे मकाडोमाइज कहते हैं। देखो यार, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप सिविल इंजीनियर नहीं हो। आप मुझे बताओ स्कैफोल्डिंग क्या होता है? आप मुझे बताओ एम्बैकमेंट्स क्या होता है? आपको पता है एम्बैकमेंट्स क्या होता है? आपको पता है स्कैफोल्डिंग क्या होता है? आपको जब सब ये नहीं पता है तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो कि आप सिविल इंजीनियर हो? वो सब मुझे पता है। तू तू अपनी बात कर सिर्फ, मुझे मुझे मत सिखा ना, मुझे तेरे से सीखना है। तू मास्टरबेशन तक की बात कर, इससे फालतू बात मत कर। तू गंडवा ठीक है है, यार, तू तू गंडवे झूठ वाली तू झूठ बात कर। बोल रहा है। तुझे तुझे कुछ नहीं पता है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मैं तेरी गांड मारने आया था। जो बात है, जो सच्ची बात है वो ये कि मैं तेरी गांड मारने आया था। तू भोसड़ी के जो लोग आते हैं यहाँ पे तेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, तू उन्हें गालियां देता है, उल्टी सीधी गालियां देगा, तू कुछ भी बोलेगा, मतलब तू कुछ भी बोलता है। तू ये तो सोचा कर तेरे साथ अरे यार, तो लाइव आ तुम रहे हैं लोग वो, सच और बोलो तेरे ना। साथ देख, सर अगर सर कर, तू मिस्त्री है, अगर तू तेरे मिस्त्री साथ का सर, काम करता है, तू सिविल अबे इंजीनियरिंग क्यों भोसड़ी बोलता के है? तू बता मिस्त्री मैं है करके। मजदूर हूँ, तू मिस्त्री मत बोल, मिस्त्री मत बोल, मैं मजदूर हूँ। लेकिन तू सुन मेरी, तू मेरी सुन, जो तेरे साथ लाइव जुड़ते हैं वो तुझे सर सर करके बात करते हैं। घुसड़ी के तुझे सर बोलते हैं, गंडवे को, एक गंडवे को सर बोल रहे हैं वो लोग, और अरे तू भाई, तो मुझे नहीं मेरी सुनने औकात है आता है। इसलिए सर बोलते हैं, तो तेरा लेकिन इसीलिए तुम औकात एक्सपेक्ट गंडवे क्यों की करते हैं कि है, मैं भी उनको इज्जत दूं? उनकी वो औकात नहीं है, तू गंडवा मेरी है, औकात तेरी है, औकात इसलिए मुझे गंडवे वो तक सर है। बोलते हैं, क्योंकि मैं एक टैलेंटेड बंदा हूं, मैं एक नॉलेजेबल बंदा अरे हूं। जा, तेरी औकात गंडवे तक है, भोसड़ी के मादरचोद गंडवे, तेरी औकात गंडवे की है, तू गांडू है मादरचोद। तुझे एक दिन मैंने सपोर्ट किया था, तुझे याद हो, तू मेरे साथ लाइव जुड़ा था, तुझे देहरादून के एक बंदे ने गाली दी थी, फिर मैंने उस बंदे की लगाई थी, लेकिन मैं उस दिन गलत था। मैं समझ रहा था कि तू बहुत अच्छा होगा, अच्छा तू मुझे तुझे एक बता कि मैं बेगानी। तुझे सिविल इंजीनियरिंग के सवाल पूछ रहा हूं, तुझे मकाडमाइज नहीं पता है, तुझे अबे एम्बैकमेंट्स नहीं पता मैं है, तेरे तुझे सवाल के स्कैफोल्डिंग जवाब नहीं नहीं देने पता आया है, हूं, मैं तेरे सवाल तुझे के जवाब नहीं देने फोर्थर्ड पायर आया। क्यों नहीं पता है, तो फिर क्यों तू मुझे बोलता कुछ है नहीं कि तू पता सिविल है, इंजीनियर है? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं। तू मजदूर समझ रहा है ना, मैं मजदूर हूँ। मुझे तुझे बताने की, तुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो तेरे साथ जुड़ा था वो इसलिए जुड़ा था क्योंकि मैंने क्या एक है दिन पता है, तू तुझे, बड़वा है भूसड़ी के, तू लड़कियां सप्लाई अबे तू करता गंडवा है। है,
देहरादून में जो टूरिस्ट आते हैं ना, सुन, देहरादून में जो टूरिस्ट आते हैं उनको लड़कियां सप्लाई करता है। आजा तू आजा, तुझे एक ऐसा जट सप्लाई करूंगा जो तेरी गांड में हाथ डाल देगा भोसड़ी के मादरचोद। तेरी तरह हाँ, दलाल बस नहीं हूं अच्छे वो मैं बोला कर, अगर भड़वेगिरी भोसड़ी करता है तो बोल कि भाई हाँ मैं भड़वा हूं करके। अच्छा के गंडवे मादरचोद चल, वो सब छोड़, कुछ घर भी में बोल कौन कौन जाता है? है। वो सब छोड़ यार, घर में तेरी बहन वगैरह है, कौन कौन है घर में, कौन है बता। मैं हूं पूरे घर में अकेला हूं। आजा, और तुझे इतना बढ़िया से पहलूंगा ना और कि बहन, छोटी बहन वगैरह है? मेरे कोई नहीं है, माँ कोई नहीं है मेरा। कोई आ नहीं जा है? तू, तेरी मौसी वगैरह कोई नहीं रहता है साथ में? कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूं। माता चो, इशारे तो क्या कर रहा है ये गंडवो वाले? मेरी तरफ इशारे मत कर, उनको इशारे कर, पंजाब के जटों को, हरियाणा के जो जट है ना उनकी तरफ इशारे कर, ये गंडवो वाले। ये जो इशारे हैं ना, ये गंडवो उन्हीं को ही कर जो जट हैं, वो तेरे गांड में हाथ चढ़ाएंगे तभी तू तेरी समझ में आएगा कुछ मादरचोद। तू मेशन है, मेशन मिस्त्री को इंग्लिश में मेशन कहते हैं, वो है तू, मैं तो मेसन, मजदूर हूं, तू मिस्त्री कहां मेसन है बता रहा है मुझे? मेसन। मैं मजदूर हूं मादरचोद, मैं मजदूर। लेकिन तुझे तेरी औकात याद दिलाने आया था मैं, कि उस दिन मैंने तुझे सपोर्ट करके गलती करी थी। वो जो देहरादून का लड़का तुझे गाली दे रहा था, और फिर मैंने, जब तू फेसबुक पे लाइव था उस टाइम पे, और फिर मैंने उससे लड़ाई मोल ले ली थी अपने देहरादून वाले से, तेरी वजह से, कि तू इसको गाली क्यों दे रहा है। लेकिन अब मैं तेरे साथ जुड़ता हूँ रात में, तो तू तो भोसड़ी के हर आदमी को गाली देता है, हर आदमी को ऐसे गाली नहीं है, देता तुम है। लोग झूठ बोलते हैं। तू अगर सच बोलता ना कि तू भाई मिस्त्री है, मैं तेरे को गलत नहीं बोलता था, लेकिन तू फंस गया मेरे को सिविल इंजीनियर बोल के। अबे मुझे सिविल तुझे सर्टिफिकेट देने की इंजीनियर जरूरत नहीं है, मुझे तुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आ गई नहीं समझ में? मैं तो खुद बोल रहा हूं कि तू मुझे कुछ भी मान ले, तू मिस्त्री न मत मान, तू मजदूर मान, मादरचोद गंडवे। और तू अपनी माँ को भी अपने साथ लपेटता है, मैं तुझे देखा कई दिन से, तू अपनी माँ को भी जो है अपनी इसी गंडवेपने में इन्वॉल्व करता है। तू अपनी माँ का तो ख्याल कर ले। अब तूने ये मरने वाला चलाया है होसडी का, पता नहीं कहां से बीमारी उठा के लाया, बता रहा है ये अमीरों वाली बीमारी है, या अमिताभ बच्चन को भी, ये बहुत अमीरों से वाली करोड़ों भोसड़ी के मादर रुपयों चोद। की तेरी जेब में चवन्नी तो है नहीं मादर चोद, अमीरों वाली बात बता रहा है। हैंड का लवड़ा, कितना बड़ा अमीर है तू, क्या है तेरे पास? बीमारी है। पैसा ठोक के है मेरे पास, क्या ठोक के है तेरे पास? गांड ही है बस ठोक के, इसमें तू ठुकवाता है। अला लॉस एंजलिस बताता है, लॉस एंजलिस में पैदा हुआ है तू भाई फील कर गया। भोसड़ी। तेरे को मैंने सच्चाई बता दी तो तेरे को बुरा लग गया भाई। सच्चाई नहीं, तू साले झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, ठीक आई है ना भाई, समझ में चल तू तू उसको इंजीनियर है झोपड़पट्टी भाई, में बस पैदा रहा? बहुत बड़ा इंजीनियर है, तूने डिग्री हासिल कर ली है नहीं नहीं इंजीनियर मैं की, कुछ बस। नहीं हूं, मुझे मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। क्या बैक बेंचर्स, क्या कहा तूने? एम्बैकमेंट्स, हाँ मैं कुछ नहीं हूं, तू मुझे मजदूर मान ले, लेकिन भोसड़ी के तू भी कुछ नहीं है। तू फालतू की बात मत बताया कर लोगों से, यहाँ तू के लॉस एंजलिस और पूना, पता नहीं कहाँ कहाँ से भी पूना की सारी बता दी तूने उसको। साले सब गूगल मैप से देख देख के तू बताता है कि कहाँ पे क्या चीज है, ऊपर से आके बता रहा कि मैं वहां रहता हूँ जहां सेलिब्रिटी रहते हैं भोसड़ी के। कभी भाई तेरे और देहरादून के तू बारे में भी बता दूंगा भाई, हरिद्वार के पास में है, उत्तराखंड की कैपिटल है, वो राउकी करके कोई वहां पे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट जो है वो बहुत दूर है मेन सिटी से, बड़ा दूर है। और उसके बाद में वहां पे तुझे है ये अपना, ये क्या बोलते हैं, मॉल रोड जो है वो वहां पे जाता है मसूरी को, उसके बाद मॉल में रोड तो फिर, मसूरी में है, हाँ देहरादून पता है में ना मुझे, है। अरे भाई पता है मुझे, लेकिन एक रोड जाता है ना तेरे वो देहरादून, देहरादून से वो मसूरी मॉल रोड को एक रास्ता जाता है, उसके बाद में वहां पे बसंत विहार करके इलाका है,
और उसके बाद में वो राउकी करके वो एक रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद में फिर देहरादून का भी एक रेलवे स्टेशन है, और तो इतना सब कुछ और थोड़ा सड़ी के बहुत तू तो तेरी तेरी उम्र 70 साल की हो गई, तो तू आया तो होगा कभी ना कभी, तो तूने वसंत विहार विहार पढ़ लिया होगा ऐसे वैसे कहीं से। तू आगे बताने लग रहा है मेरे देहरादून के बारे में, तुझे झाट का नहीं पता है माधरचोद। तुझे अपना तो पता नहीं है कि तू गंडवा है या इंसान है, तुझे ये तो पता नहीं कि तू अपने आप को कभी हिजड़ा कहता है, कभी गंडवा कहता है, कभी कहता है मैं बहुत बड़ा जो उसके है बाद में वहां लौंडेवाल हूँ, से कभी थोड़े घंटे की दूरी पर वो पौड़ी करके जगह है, गढ़वाल पौड़ी, और उसके बाद में फिर वो आगे जाएंगे तो वहां पे वो रुद्रपुर, उसके बाद में फिर वो सब जगह है हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी के आगे जाएंगे तो वो नैनीताल, उसके बाद में वो कोटधाम, पता नहीं वो जगह है। तो भोसड़ी के ये तू तूने मैप खोल लिया अब माधरचोद, अब हम मुझे पता मैप चल गया कहाँ, ये तूने ये देख, एक मैप हाथ से खोला है, मोबाइल पकड़ा है, एक हाथ से मोबाइल तूने पकड़ा है, भोसड़ी के और मैप खोला दूसरा भी, अभी मैप खोल के तू पौड़ी गढ़वाल कहाँ कहाँ पहुंच रहा है माधरचोद, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पहुंच रहा है तू। तू अरे देहरादून भाई की बात मैं कर ये देख ना, रहा हूँ, मेरा हाथ खुल रहा पौड़ी है, क्या गढ़वाल बात तो, कर। पौड़ी गढ़वाल तो 300 किलोमीटर है यहां से। हाँ तो मैंने कहा बोला नजदीक है, मैंने नहीं बोला मसूरी नजदीक है, ऐसे बोला मैंने। तूने लैपटॉप पे खोल रखा है, अरे भाई कहाँ है ये देखना, ये एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है, मेरे पास तो कहाँ है, कोई लैपटॉप ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास नहीं है ऐसे कोई लैपटॉप, मुझे सब पता रहता है यार, मैं घूमने वाला बंदा हूँ। तू तू अपनी झोपड़पट्टी से कभी बाहर निकला नहीं, और निकलेगा तो तुझे पंजाब के जट हरियाणा के जट कूट देंगे, ध्यान रखिए। मैंने इनफैक्ट घरे मेरा बैठे हम रिजर्वेशन किया था, मैंने फ्लाइट का रिजर्वेशन किया था उत्तराखंड जाने के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने लॉकडाउन, 25th मेरा फ्लाइट था, वो मेरा फ्लाइट कैसे था पता है क्या, दिल्ली से, और ये दिल्ली से वो तुम्हारा वो देहरादून का एयरपोर्ट है ना, वहां से पंत करके है, देहरादून से पंत, वो जो है ना पंत नगर, वहां से फिर वहां से मुझे कार लेने के लिए आने वाली थी, और मैं नैनीताल जाने वाला था, और रास्ते में वो तो आया तुम्हारे क्यों? शहर लगते ना भोकाली वगैरह, उसके बाद में वो दूसरी जगह पे वो मुक्तेश्वर वगैरह, उस सब जगह पे मुझे जाना था, लेकिन मेरा ये 25 जनवरी का मेरा जो टिकट जो है ना नैनीताल का, वो कैंसल हो गया, मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू क्या बोलते हैं अपना लॉस एंजलिस टू दिल्ली, उसके सॉरी ये अरे भोसड़ी के लॉ लॉस सुनना, एंजलिस, अरे भाई तो सुन तो सही, ये एलए से क्या बोलते हैं तेरा ये फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली, उसके बाद में दिल्ली से मेरी थी ये क्या बोलते हैं तुम्हारा देहरादून, देहरादून, फिर देहरादून से पंत, पंत नगर, और पंत नगर से मुझे वो कार लेने के लिए आने वाली थी, ऐसा था वो तू मेरा। माधरचोद तू ये जो पंत नगर और ये सब ये बोल रहा है, तू ये सब मैप पे देख के बोलता है, तू मुझे चूतिया नहीं अरे भाई बना मैप सकता। कहाँ पे, ये देखना, अरे यार ये एक हाथ पे मोबाइल है और मैंने ऐसे ऊपर आसमान में पकड़ा है, अभी क्या लैपटॉप क्या भेज चुक मैंने यहाँ पे लगाया है, क्या लैपटॉप क्या मैंने यहाँ पे लगाया है, अरे मुझे नहीं यार पता सब लेकिन पता है मुझे, तू वहां के जो लोग हैं कुछ लोग गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं, हल्द्वानी के लोग खुमानी लैंग्वेज बोलते हैं, बात बराबर ही है, और तू ये बात हाँ तो मानता है कि जब हम लोग देहरादून से, जब गढ़वाल हम में तो लोग गढ़वाली देहरादून, बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी हाँ बोलेंगे, तो उसके बाद हरियाणा में में सुनना, हरियाणवी बोलेंगे। अरे भाई लेकिन तुम लोग खुमानी लैंग्वेज बोलते हैं ना, खुमानी कोई लैंग्वेज है ना, नहीं हम तो खुमानी, हिंदी बोलते हैं, हम तो देहरादून के हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हाँ, और उसके बाद में देहरादून की तुझे लैंग्वेज बताऊं मैं, भयंकर हाँ भयंकर तुम बता, लोग बहुत बोलते हैं, भयंकर बोलते हैं ना तुम भयंकर। लोग, ये बात मानता है तू, भयंकर हो गया माधरचोद भाई, तेरे वहां साथ, पे मैं गया तेरे वहां पे साथ भयंकर ये हो गया भाई, हर हर सेंटेंस में तुम लोग भयंकर यूज करते, तो ये बात तेरे मानता साथ है, कोई देहरादून का दोस्त होगा तेरा जो तुझे बताता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अच्छा तू इस देहरादून का बात तो दोस्त तेरे मानता साथ है जुड़ा कि वो हो, लोग हर एक सेंटेंस में भयंकर बोलते हैं, ये बात तू मानता है, भयंकर भयंकर नहीं बोलते, भयंकर बोलते, भयंकर। बोलते हैं ना वो, जैसे कि भयंकर, जैसे कितनी बारिश आई, भयंकर बारिश आई बोलते हैं भोसड़ी ना, ये बात के मानता है ना तू, तू, हाँ बोलते हैं, लेकिन तू तूने हाँ तो ये बात पकड़ा ना सुन मैंने, रखी अरे है कहीं से, भाई अगर कोई ये बंदा बात तू सुनी भयंकर हुई भयंकर है माधर बोलेगा चोटू। ना, कोई भी बंदा अगर भयंकर भयंकर बोलेगा ना, तो समझ नहीं क्या बेंचुत की है देहरादून का है, ये बात मानता है तू, भयंकर बोलते हैं ना वो लोग, ये बोलते हैं ना वो भयंकर लोग, बोलते, हाँ बोलते हैं, लेकिन ये तो सबकी जगह की एक आदत होती है।
अभी देख वो जो गाना आया था ना, जय जय शिव शंकर आज मूड है भयंकर हाँ खुल में दे, तो ये देहरादून का गाना नहीं है, जय जय शिव शंकर आज मूड है भयंकर, भयंकर है ना वो गाने में है कि नहीं? हाँ तो भयंकर है तो ये तो इधर की एक लैंग्वेज है, तो इसको क्या इसको एक तकिया कलाम होता है, जो जिसे बोलते हैं तकिया कलाम, लोगों को तकिया कलाम हाँ होता है। तो ये काम कर, तकिया पे लेट जा और तेरे मैं गान में मेरा कलाम ले ले, तकिया तो पे तू तकिए पे लेट जा लेटा थोड़ा हूँ, बन के और तेरे गान में अंदर तक मेरा कलम ले ले, तू कलम 9 इंच मैं का तो तकिए कलम। पे ही लेटा हूँ, लेकिन भोसड़ी के तू जिस दिन मुझे मिल गया ना, उस दिन तेरी मैं सारी ये खुजली निपटा दूंगा। जितनी तेरे अंदर खुजली है ना, ये मुझे तेरी खुजली हटानी है साले। और वो गढ़वाली मुझे लोग ऐसे बोलते हैं ना, भाई जी अभी जा ही रहे तो हमें छोड़ दो माँ, भाई जी लिफ्ट मांगते हैं ना वो गढ़वाली लोग, ये बात मानता है तू? गढ़वाली लोग लिफ्ट मांगते हैं कि नहीं? भाई जी अगर ढूंढ जाना है तो हमें छोड़ देना, अगर ढूंढ जाना ही है हमें छोड़ देना भाई जी, नहीं बोलते ऐसे गढ़वाली हाँ तो लोग, बोल एक दूसरे से लिफ्ट मांगते हैं कि नहीं? जब कोई बंदा जब राजधानी सभी, जाता है, ये तो सभी जगह सुना मांगते हैं लिफ्ट, तो सभी जगह मांगी जाती है। इसमें नहीं इसमें भाई, अरे मुझे तू मुझे क्या पता है साबित ना करना चाह रहा है? वो क्या बोलते, पता है गढ़वाली, आपने राजधानी जाना भाई हमें छोड़ देना वहां तक, राजधानी तक बड़े काम भयंकर लगे पड़े, भयंकर काम लगे पड़े भाई जी, आप बोलते हैं ना, मुझे पता है ना तुम लोगों की औकात क्या है वो। अरे भोसड़ी के तुझे अपनी औकात तो पता नहीं है, तू लोगों की औकात नापता फिरता है मादरचोद। तेरी क्या औकात है अच्छा ये बता, भाई क्या है बंदे तेरे को नॉलेज पास? है, तेरे को तेरी औकात दिखा दी ना, सिविल इंजीनियर तू नहीं है, बता दिया ना मैंने। तू तो तू भोसड़ी के तू अपना नेट तक के नहीं यूज करता होगा, मुझे पता है ना। तूने कंपनी से किसी से बात कर रखी होगी कि मैं आपका इतना इंटरटेन करवाऊंगा, मुझे नेट दे देना। तू भोसड़ी के 500 रुपए नहीं खर्च करता होगा नेट पे, मुझे इतना पता है। ठीक है चल भाई, ओके बाय। चल मिस्त्री भोसड़ी कारपेंटर है क्या, मिस्त्री है बता दियो सच सच जाते जाते। तेरी तेरा तेरी माँ का यार हूं बहादुरचोद, सिविल इंजीनियर, सिविल बहादुरचोद। इंजीनियर आ गया भाई, इंजीनियर कॉल पे आ गया, इंजीनियर इंजीनियर का हैंगर देखो भाई, हैंगर 12 रुपए का हैंगर कैसे लटक रहा है अपने इंजीनियर का हैंगर, बहुत अच्छा, कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है, ऐसे हैंगर दो दो खिले पे लटकाना हथौड़ी से, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग मानना पड़ेगा भाई। ये कौन है, नीचे मैसेज करो, दुर्रे अदान क्या इंजीनियर है भाई, ऐसा हैंगर का इतना बड़ा इंजीनियरिंग का नमूना तो हमने कभी देखा ही नहीं, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का नमूना देखा भाई। ये कौन है, हिमांशु राज, जन्नत गर्ग, आदित्य वर्मा, ओपन हार्टेड, ठीक है भाई चल, आदित्य वर्मा कॉल पे आ जा, आदित्य वर्मा हेलो, हाँ बोलो भाई, आदित्य कैसे हो? गुड सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन भाई, आप बुरा मत मानना, लेकिन आप जब भी किसी सेलिब्रिटी से बात करते हैं तो आपको सर जी कहना है, सर के आगे आपको जी लगाना है, सर नहीं कहना है आपको, यस सर, आपको हाउ आर क्या यू? कहना है, हेलो सर जी, आप करेक्ट करो आप, हाँ सर जी, आपको सर के आगे जी लगाना है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो सर, कल आप कहेंगे हेलो पैर, आप कहोगे नो हेलो हाथ, हेलो गर्दन, नो ऐसे थोड़ी नो होता है, नो हेलो सर इसका क्या मतलब है, हेलो सर क्या मतलब है, आप कहोगे कल हेलो गर्दन, गलत है ना भाई, ये आपको कहना है यस हेलो सर जी, ऐसे कहना है, बोलो हेलो सर जी, हेलो सर जी, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये,
इसको और तमीज कैसे हैं बोलते हैं, आप और कुछ नहीं है। और कहां से हो भाई? सर? एक्चुअली मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ और रिसेंटली आई फिनिश माई एम टेक फ्रॉम ट्रिपल IIT इलाहाबाद एंड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन IBM। अच्छा, IBM में काम करते हो। यस यस अच्छा हाउ आर अच्छा यू? और फाइन। और क्या क्या हॉबीज है तो तुम्हारी? हॉबी आजकल वैसे तो मेरी सिंगिंग है, लेकिन मैं आजकल मेरा दोस्त ने आपका पेज रेकमेंड किया था तब से मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से। मतलब बहुत एक यूनिक वे ऑफ कॉमेडी है आपका और मुझे बहुत अरे अच्छा भोसड़ी लगा। के कॉमेडी नहीं है यहाँ पे, मैं सही है, कॉमेडी चल रहा है क्या भोसड़ी के यहाँ पे? मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, तेरे को कॉमेडी लग रहा है ये? कॉमेडी नहीं, जो लग रहा है आप तेरे को ये? लोगों को एंटरटेन करते हो हाँ तो वैसे बोलना कि भाई आप में टैलेंट है ये कॉमेडी। तुम्हें क्या जोकर बैठा हूँ क्या तेरे टैलेंट सामने यहाँ पे? नहीं, टैलेंट क्या एक तरीके का स्किल सेट है। और तेरे को भाई यहाँ पे ये चेहरे पे ऐसे क्या हो गया, ये ऐसे कुछ क्या हो, क्या गए तेरे को, ऐसे दाग दाग क्यों है? नहीं, दाग नहीं है एक्चुअली, एक्ने है। वो रिसेंटली हैव बीन ईटिंग आउटसाइड, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग सर अच्छा, एक्ने। आपको पता है ये एक्ने का रीजन क्या होता है? बिकॉज वेन यू डोंट हैव द रूटीन लाइफ, आपको जो है प्रॉपर टाइम पे यस सोना यस है, प्रॉपर यस खाना खाना है, यस 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 आपको ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट खाने हैं। देखो यस यस मार्केट में आजकल सब फेक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आप 200 रुपए के एप्पल खाओगे गंदे से, आपको ऐसे, आपको ऑर्गेनिक एप्पल खाने हैं वो 2-3 हजार रुपए की बात है। आपको जो दूध भी पीना है वो भी ऐसे 3-3.5 हजार रुपए लीटर का आपको दूध पीना है। आप कहोगे भैंसों में ऐसे कुछ भी मॉल में जाऊंगा गंदे से चीज खाऊंगा, 300-400 रुपए की चीज लाऊंगा, वैसे नहीं। आपको प्रॉपर स्विट्जरलैंड से चीज मंगवाने हैं क्यूब्स, 8-8, 10-10 हजार के। जब तक आप आपके खाने के ऊपर 1-1.5 लाख रुपया खर्च नहीं करोगे महीना, तो आपका चेहरा कैसे ग्लो करेगा? आपको नहीं, तो ऐसे ही सस्ता खाना ऐसे खाओगे तो ऐसे ही आपको एक्ने आएंगे। ये तो अच्छी व्हाई बात। डोंट यू कम ऑन बिग बॉस सर? मैं एक्चुअली एक पेशेंट हूं, मुझे हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है। मतलब ये एक्चुअली आई एम सीइंग बिग बॉस आल्सो दिस सीजन ना, हाँ तो राखी सावंत इसीलिए इज बिग देयर। बॉस वाले ने, हाँ उन्होंने मुझे ये किया था, मतलब बट शी इज नहीं लाइक अ स्टार, शी इज लाइक अ ह्यूज स्टार ओवर देयर। वो मुझे पता है कि वो क्या है, ह्यूज स्टार मतलब अभी जैसे ये दीपिका प्रियंका सब कुछ नहीं है, जूली बन गई तो ह्यूज स्टार हो गई वो। नहीं, जूली से मतलब नहीं है, मतलब कि उनका जो नेचर है और सारी चीजें हैं वो सब भी शी काउंट इज एन होके, जैसे एंटरटेनर, वो नॉट स्टार वगैरह मत बोल, तू एंटरटेनर बोल। एंटरटेनर और मतलब जैसी पर्सन है वो सब चीजें। और तू क्या सिंगिंग वगैरह करता है क्या? नहीं, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सिंगिंग का एक था पहले शौक, लेकिन फिर वही है ना कि IIIT गए, फिर कोडिंग करने लगे, तो अच्छा, हम और कोडर पापा मम्मी कहाँ पे रहते हैं? घर पे ही अच्छा काशीपुर। देहरादून। अच्छा नहीं, काशीपुर में। देहरादून नहीं, काशीपुर इज नियर हल्द्वानी, लाइक अच्छा नैनीताल ना, हल्द्वानी के पास में दिल्ली। या रुद्रनगर के पास? हाँ नहीं, रुद्रपुर के पास में है एक्चुअली, 40 किलोमीटर्स है तीनों जगह से। अच्छा अच्छा IIM हाँ काशीपुर आपने सुना होगा। अच्छा, ओके। Yes. तो पापा क्या करते हैं आपके काशीपुर में? हमारा शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, परचून की बेचो, वो वहां पे वही बेचते होंगे तुम लोग, लेज कुरकुरे और मैगी वैगी। अच्छा, है। हाँ वही सब, वही सब। तो तेरे बाप ने तो यार तेरे को मतलब परचून की हट्टी चला चला के बेचो तेरे को बड़ा किया, तेरे बाप ने इज्जत कर तेरे हाँ बाप वो की यार, तो है गरीब ही। फैमिली से है तू। नहीं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं रिसेंटली, मेरे को इसरो के चेयरमैन ने वो दिया था, कॉन्वोकेट किया था मेरे को, और मैं जहाँ पे भी हूँ आज के टाइम पर, मेरे फादर और मदर की वजह से ही हूँ। और कितना कमा लेता है महीना? भोसड़ी मैं 80K। के इतना बेंचो पढ़ लिख के 80K? सो 80K व्हाट, बेंचो क्या है, कुछ भी नहीं है यार 80K तो। मतलब मैं तो बेंचो जैसे रंडियों पे उड़ा देता हूँ इतना पैसा। तो अभी मैं गोवा जाऊंगा तो बेंचो नहीं भाई मेरे लिए नशा वो दारू। ट्रांजिशन बहुत है।
अच्छा, हाँ हाँ मेरे हाँ को एक सेटिस्फाइड लाइफ जीनी है, राधा ना शो ऑफ लाइफ। नहीं बराबर है। अभी हर एक, अभी देख तेरा मतलब तू बड़े बाप की भी औलाद नहीं है ना, है तो हाँ, बेचो परचून वाले जो का ही है बेटा है उसमें तू, खुश हूँ, जो और है उसमें खुश शादीवादी का हूँ। क्या सोचा है तूने? अच्छा अभी तो नहीं है, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है रिसेंटली। क्या उम्र है तेरी? 24 हाँ, तो कभी सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ? बहुत बार। अच्छा, हाँ, यार थोड़ा ध्यान रखा कर, तेरे को पता ही है जो हेपेटाइटिस मुझे हुआ है, मैं भी फक फेस्टिवल अटेंड करता था, फक फेस्टिवल मैंने बहुत अटेंड किया, उसके कारण मुझे हेपेटाइटिस हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और कैसा है मतलब, तू स्ट्रेट स्ट्रेट है, गे है, क्या है? अच्छा हूँ भाई। अच्छा स्ट्रेट है। बहुत अच्छा लगता है आप जो एंटरटेन करते हो लोगों को, अच्छा लगता है देख के, मजा आता है मतलब ओवरऑल। तेरी गांड मारूंगा तो मजा आएगा तेरे को। हाँ, नहीं भाई नहीं, ये इतने फॉलोवर से देख, 1,012 फॉलोवर सबके सामने तेरी गांड मारूंगा, मजा आएगा तेरे को। वो कोई नहीं मार पाया आज तक भाई। बहुतों ने ट्राई कर लिया जीवन में, बहुत स्ट्रगल हुए, बहुत चीजें हुई। ठीक है भाई, थोड़ा अपने स्किन का ख्याल रखना। हाँ, मेरी मुठ है ना, मेरी मुठ, ये मेरे माल को मलना है ऐसे, मजाक नहीं कर रहा नहीं हूं, तेरा चला जाएगा ये दाग वाग सब। रोज सुबह मेरी मुठ मलना उसको, तेरे को पार्सल करूंगा मैं। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों गिर गया? देखो नहीं चेहरा गिरा नहीं है। बुरा लगा क्या? नहीं भाई क्या बुरा लगेगा, वो तो आपका रोज का यही है, लाइफ में इतनी चीजें हो गई हैं, अब इन सब बातों से कोई बुरा नहीं लगता। तू किसने गांड मार ली तेरी, क्या हो गया तेरे साथ? बहुत चीजें होती हैं यार लाइफ में। क्या हुआ, मैनेजर ने कोड़ा करके गांड मार ली क्या तेरी? तो नहीं नहीं भाई, गर्लफ्रेंड 200 रुपए खा गई तेरा महीने का खर्चा? हाँ बता बता क्या हुआ, बोलना भोसड़ी के, अब तो सच बता मादरचोद, क्या हो गया, दुखी क्यों है? अच्छा कुछ नहीं यार, होता रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चलता रहता ठीक है भाई, ओके चल बाय। है। चलो भाई। और यार मैंने कुछ तेरे को गाली वाली दिया होगा, बुरा मत मानना, रोज मेरी गाली सुनना नहीं आदत नहीं पड़ यार, जाएगी, नहीं, रोज लाइफ पे आना, रोज एक्चुअली गाली सुनना। देख स्टार्टिंग में तू पहले दिन मेरी गाली सुनेगा ना, तेरे को बुरा लगेगा, रोज मेरी गाली खाएगा ना तो तेरे को आदत हो जाएगी, फिर और कुछ नहीं। अच्छा लगा यार आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा तेरी गांड मार के। गुड नाइट। ठीक है बाय भाई, ओके दिया कर, रोज कोड़ा हो जा बहन के लौड़े साड़िया, खूटी दा पुत्रा, ये कौन है? नैना, नैना कॉलते आ, नैना कॉलते आ, हेलो नैना कैसी हो? बढ़िया। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं 1 मिनट आओ, मेरे दोस्त, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़े आपके फैन है। दीपक कलाल कॉल पे आई। अच्छा, क्या नाम है बेटा? क्या नाम है पूछ रहे हैं आपसे? नील ब्राउन। अच्छा, नील ब्राउन। हाँ, लेकिन तू तो रेड दिख रहा है मेरे को, ब्राउन का तू तो रेड है। हम तो रेड लाइट एरिया में, हम रेड लाइट इसलिए एरिया से है, रेड छाणी लाइट एरिया छाणी से। जकातना का। हाँ हाँ, कहाँ पे रहते हो, छाणी जकातना का, कहाँ पे? ये वडोदरा। है वडोदरा गुजरात। अच्छा, हाँ, भाई अभी मेरा इंस्टाग्राम है ना वो खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा लाइव पे आऊंगा तो खत्म मैं हो आपको जाएगा दोबारा तो कॉल उसकी करूंगा, अभी एक्सपायरी एक डेट घंटा है। हो गया है, इंस्टाग्राम खत्म हो गया है,
इंस्टाग्राम तो एक जिंदा है ना, घंटे में खत्म कैसे इंस्टाग्राम हो सकता है, खत्म वो हो जाता है टाइगर तो थोड़ी मैं है जो आपको मर दोबारा कॉल जाएगा कर सकता। यार, जल्दी कॉल दूसरी करो, के मैं घंटा कॉल पे वेट ले रहा किया हूँ मैंने तेरे को, दोबारा बढ़वे तेरी दोबारा कॉल महत। पे ले रहा हूँ।